Hello viewers, in this video we will watch about AI teams. अब हमने पहली वीडियोस में देखा था कि AI प्रोजेक्ट किस तरह से पकड़ा जाए और AI के काम को किस तरह से स्टार्ट किया जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि AI टीम किस तरह से रिफॉर्म होगी, AI टीम किस तरह से बनेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर हो AI और जो है वो आप जो है वो उसके साथ काम करें और फिर ही आप AI पे बेहतर काम कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मतलब एक स्मॉल टीम के साथ चार से पांच डेवलपर्स हों, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो आपके पास और एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो और एक डेटा साइंटिस्ट हो, तब भी इस वर्क को स्टार्ट किया जा सकता है। और बेहतर यही रहता है कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स लेकर आप स्टार्ट करें और स्मॉल टीम के साथ स्टार्ट करें। जब जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाएं, वैसे वैसे फर्दर आप हायरिंग करते जाएं। एक एग्जांपल है कि आपके पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में आपका टाइमर सेट करते हैं कि आपके पास कितना टाइम लगेगा और वो प्रोग्राम की UI कैसी दिखती होगी, वो कैसे जो है वो चलेगा और किस तरह से आपने आपकी एप्लीकेशन की जो है वो बाकी फीचर्स काम करेंगे। मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो क्या करता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को अप्लाई करता है, उनको देखता है कि वो वर्किंग किस तरह से कर रहे हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मशीन लर्निंग रिसर्चर। मशीन लर्निंग रिसर्चर क्या करता है, हमारे पास रिसर्च वर्क लिखता है, रिसर्च पेपर्स लिखता है अपने भी और हमारे काम को आसान करने के लिए रिसर्चर्स करता है, ताकि जो है वो हमारा काम जो AI के थ्रू होना है वो आसान से आसान तरीके से हो सके। हमें एल्गोरिथम्स प्रोवाइड करता है कि आप इस तरीके से आप अपनी रिसर्च को अपने प्रोजेक्ट को आसान से आसान बना सकते हैं। अब हमारे पास एक अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर आ जाता है। अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो रिसर्चर भी होता है और मशीन लर्निंग इंजीनियर भी होता है, जो कि दोनों के काम करता है। और जो है वो मशीन लर्निंग रिसर्चर भी होता है और वो इंजीनियर भी होता है, तो उसको हम अप्लाइड मशीन लर्निंग इंजीनियर कहते हैं। हमारे पास आ जाता है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट हमारे पास क्या करता है, सिंपली हमने पहले भी बात की है इस बारे में कि वो हमारे बिग डेटा के अंदर से हमें इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है जिसको हम कहते हैं डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर हमारे पास क्या करता है, डेटा इंजीनियर हमारे पास बिग डेटा को डील करता है। हमारे पास बड़ी अमाउंट में डेटा होता है, लार्ज अमाउंट में, गीगाबाइट्स, डेटा टेट्राबाइट्स, इवन पीटाबाइट्स तक हमारे पास डेटा अवेलेबल है। तो उनको मैनेज करना, उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो दिखाना और उसको स्केलेबल बनाना, उसके अंदर से डेटा की जो है वो डेटा की एक पाइपलाइन क्रिएट करना है, किस तरह से डेटा साइंटिस्ट के पास डेटा आएगा, फिर डेटा साइंटिस्ट जो इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा उस इंसाइट्स की किस तरह से मदद होगी, उस डेटा के थ्रू उसको इम्प्रूव करना, ये सब काम होते हैं डेटा इंजीनियर के। डेटा इंजीनियर एक तरह से जो है वो सर्विस प्रोवाइडर होता है मशीन लर्निंग इंजीनियर को या डेटा साइंटिस्ट को। वो जो है वो अब उसको डेटा को एक मैनर्ड फॉर्म में ला कर देता है। अब डेटाबेस इंजीनियर और डेटा इंजीनियर में डेटाबेस जो है वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक वो अलग चीज़ है और डेटा इंजीनियर अलग है। वो सिर्फ डेटाबेस को मैनेज करता है, ये हर तरह के डेटा को ऑर्गेनाइज करना डेटा इंजीनियर का काम होता है। AI प्रोडक्ट मैनेजर क्या होगा, वो आपकी AI बेस्ड प्रोडक्ट को देखेगा कि ये प्रोडक्ट कितनी किस तरह से मतलब क्या बिल्ड करने जा रहे हैं और क्या हमारी हमारी प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है। मतलब ये कि मार्केट में इसकी क्या वर्थ होगी, क्या वैल्यू होगी, ये किस तरह से काम करेगी, कैसी दिखेगी हमारे पास, ये सब डील करता है हमारे पास AI प्रोडक्ट मैनेजर। जैसे कि मैंने पहले बात की, अब हमारे पास बजट नहीं है, हम एक न्यू स्टार्टअप हैं, तो हम जो है वो एक स्मॉल टीम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एक मशीन लर्निंग इंजीनियर हो या डेटा साइंटिस्ट हो। इसके ज़रिए से भी हम पायलट प्रोजेक्ट्स यानी कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स को पकड़ सकते हैं और इसके ज़रिए से हम अपनी AI कंपनी को बिल्ड कर सकते हैं। फिर तो जैसे जैसे आपके पास जो है वो प्रोजेक्ट्स आते जाएँ, वैसे वैसे आप हायरिंग्स बढ़ा भी सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर भी नहीं है, तो आप अपने आप से भी मशीन लर्निंग को पढ़कर अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो है वो एक जो है वो प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाएंगे और जब आपको जो है प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होगी सारी की सारी, तो आपको हायरिंग करने में भी आसानी होगी और आप एक बेहतर जो है वो
मशीन लर्निंग इंजीनियर भी कहलाएंगे या मशीन लर्निंग साइंटिस्ट कहलाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो कि एआई टीम को किस तरह से रिफॉर्म किया जा सकता है, एआई टीम किस तरह बनाई जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।